दोस्तों, अपराजिता का पौधा इसके नाम से ही यह अपनी ओर को आकर्षित कर लेता है। दोस्तों, यह पौधा फूल से लेकर पत्ती जड़ तक स्वास्थ्य के लिए बहुत ही लाभकारी है। दोस्तों, इसके पत्ते व फूलों का प्रयोग कई देशों में प्राकृतिक खाना जो होता है उसमें कलर दिलाने के लिए किया जाता है, जबकि इसके बाकी अंगों का प्रयोग दवा के रूप में बीमारियों को दूर करने के लिए किया जाता है। दोस्तों, इसका आयुर्वेदिक नाम अपराजिता है और इसका लैटिन नाम ट्रिटोरिया टर्नेटिया, इंग्लिश में बटरफ्लाई और दोस्तों संस्कृत में इसको गौकर्णी, विष्णुकांता, उड़िया में ओपोराजिता, उर्दू में माजेरी यूनी, कन्नड़ में शंख पुष्पावली, गुजराती करणी, तमिल में काक का नाम, तेलुगु में दिन तेना, बंगाली में गोकरण, नेपाली में अपराजिता, पंजाबी में धनंतर, मलयालम में अराल शंख पुष्पम, मराठी में गोकर्णी काजली, अरबी में बजरुल्म जारी युन और फारसी में दरख्ते विखेयात, हिंदी में इसको अपराजिता कोयला कालीजार नाम से जाना जाता है। आपके यहाँ दोस्तों इसे किस नाम से जानते हैं, हमें कमेंट बॉक्स में लिख करके ज़रूर बताएं, जिससे कि और लोगों को भी पहचानने में आसानी हो। अब दोस्तों आइए अब जानते हैं इसके मुख्य फायदों के बारे में। सबसे पहले बात करते हैं मूत्र कुष्ठ। दोस्तों, एशियाई देशों में मूत्र से संबंधित किसी भी प्रकार की परेशानी के लिए इसके फूलों का प्रयोग बड़े ही जोर से किया जाता है। यदि आपको मूत्र से संबंधित किसी प्रकार की कोई समस्या है तो इसके फूलों का अरक निकालकर आप सुबह खाली पेट पी सकते हैं। दोस्तों, पाचन तंत्र को मजबूत करने के लिए इसके फूलों में बैक्टीरिया रोधी गुण होने के कारण यह फूड पॉइजनिंग को कम करने में बहुत ही मदद करता है और इसके सेवन से भूख भी खुलकर लगती है। दोस्तों, डिमेंशिया रोग में भी यह बहुत ही लाभदायक साबित हुआ है। कुछ अध्ययनों में पता लगा है कि इससे चूहों की याददाश्त बढ़ी है, इसलिए इसे याददाश्त को बढ़ाने के लिए भी प्रयोग में लाया जाता है। दोस्तों, अधिकतर लोगों को सिर दर्द की समस्या बनी रहती है। ज़्यादातर लोग सिर दर्द की मेडिसिन लेकर के सिर दर्द को दूर करते हैं, लेकिन लगातार सिर दर्द की दवा लेना भी स्वास्थ्य के लिए हानिकारक साबित हो सकता है। तो आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है, अपराजिता से भी आप सिर दर्द को दूर कर सकते हैं। अस्थमा यानी श्वास रोग को दूर करने के लिए कुछ वैज्ञानिक अध्ययनों में पता लगा है कि यह श्वास रोग के लिए भी बहुत अच्छा साबित हो सकता है। डिप्रेशन को दूर करने के लिए भी इसका प्रयोग किया जाता है। आमतौर पर डिप्रेशन की समस्या हर तीसरे बंदे को ज़रूर मिलेगी, तो आप अपराजिता को ज़रूर याद रखें। नर्वस सिस्टम को मजबूत करने के लिए भी अपराजिता का आप प्रयोग कर सकते हैं। अनियमित मासिक धर्म के लिए भी इसका प्रयोग बहुत ही अच्छा माना जाता है। कुछ महिलाएं इसका महत्व तो जानती हैं, वह घर पर ही इसके अर्क से अपने आप को स्वस्थ रखती हैं। डायबिटीज से पीड़ित लोग अपराजिता को अपने रोजमर्रा की जिंदगी में जरूर लेके आए, इसके सेवन से डायबिटीज नियंत्रण में रहती है। दिल की बीमारियों के लिए यह वरदान साबित हो सकता है। दिल की बीमारी, कोलेस्ट्रॉल और दिल का दौरा पड़ने जैसी समस्या को यह दूर कर सकता है। इसका नियमित सेवन कुछ लोग जानते हैं, वह इसका प्रयोग जरूर करते हैं। सफ़ेद दाद यानी श्वेत कुष्ठ के लिए आप अपराजिता की जड़ और चक्रमद की जड़ आपस में पीसकर उसका लेप सफ़ेद जगह पर लगाते हैं तो सफ़ेद दाद बहुत जल्द ठीक होने लगते हैं। दोस्तों, कुछ लोग जो मेरे चाहने वाले हैं वो मेरे से मैसेज या कॉल करके बोलते हैं कि गुरुजी, आप किसी भी वीडियो में अपने सब्सक्राइबरों को बढ़ाने के लिए नहीं बोलते हैं, ना ही उनसे लाइक करने के लिए बोलते हैं। दोस्तों, मैं तो यही कहूँगा कि जिन लोगों को मेरी वीडियो पसंद आएगी तो वो लाइक भी करेंगे, सब्सक्राइब भी करेंगे और शेयर भी करेंगे। अब जिन लोगों को पसंद ही नहीं आएगी तो वो मेरी वीडियो को लाइक क्यों करेंगे। तो दोस्तों, यदि आपको पसंद है तो सब्सक्राइब कर लें, नहीं पसंद है तो कोई बात नहीं,
तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। मेरे सभी गुरुजनों को हाथ जोड़कर नमस्कार व चरण स्पर्श, भाई बंधुओं को ढेर सारा प्यार और उन्हें भी हाथ जोड़कर नमस्कार। कल फिर मिलते हैं किसी नए टॉपिक या किसी नई औषधि के साथ। ओम नमः शिवाय, जय भोलेनाथ। भोलेनाथ सदैव आप पर कृपा बनाए रखें। जय प्रकृति माता की। सभी साथ में बोलेंगे ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः।